Priti. Listen, Priti, I want to talk to you. Listen to me. Priti. Priti. Priti, please talk to me. Priti, I really want to talk to you, please. Please look at me, Priti. Priti, please, meri baat to suno. I really want to talk to you, Priti, please. Ek baar meri taraf dekho to, baby, please. Mausi, thoda paani de. प्रीति, मैं तुमसे बात करने आया हूँ, प्लीज टॉक टू मी. बात नहीं करनी तो मेरी बात तो सुन लो प्लीज. प्रीति, क्या सुना है, क्या बात करनी है तुम्हें? उस दिन मैंने कितना बोला था, तुमने सुनी मेरी बात? अब क्यों आए हो कभी? तुम्हें जाना चाहिए, प्लीज जाओ यहाँ से. प्रीति, मैं जाने नहीं आया हूँ. आई एम गोना टेक यू विद मी. शर्म आनी चाहिए तुम्हें कबीर. Don't touch me. Stay away. Door rahe mujhse. What's all this? You know we can't be happy without each other. Come to take you. Let's go. अच्छा? तुमने कैसे decide कर लिया कि मैं खुश नहीं हूँ? इसे भी तुम हो कौन? मैं कोई नहीं. I'm nobody. I curse you. You'll get married to your father's choice. यही कहा था ना तुमने मुझे उस दिन? जो तुमने कहा वैसा ही हुआ है कभी. Just go from here, कभी जाओ यहाँ से, प्लीज. Just for 2 minutes, don't do that to me, ना, प्लीज. 6 घंटे दिए थे ना तुमने मुझे उस दिन, वैसे छोड़ के चले जाओगे? लड़कियों को घर पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कभी, तो तुम नहीं समझोगे. डोंट हैव एनी सिस्टर्स ना, फिर भी आई थी तुम्हारे घर उस रात. वेट करी थी कि तुम आओगे. और तुम कब आए? 2 दिन बाद, जब सब खत्म हो चुका था. कहाँ थे तुम 2 दिन तक? सो रहे थे? प्रीति, उसे कोई आइडिया नहीं था कि तुम आई थी वो रात. मैंने रिसेंटली बताया उसको. तुम्हारा उस दिन फोन नहीं आया ना, तो वो साइक आउट होके मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लिया, ओवरडोज हो गया था. इट वॉज अ होपलेस सिचुएशन फॉर हिम दैट नाइट. सीधे 2 दिन के बाद उठा हुआ. और इस बीच में तुम्हारी शादी, उसकी भाई की शादी, सब कुछ एक साथ हो गया. जब होश में आया, आई टोल्ड हिम दैट यू आर गेटिंग मैरिड, एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही वाज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, प्रीति. और इसके बाद इसके पापा ने भी इसको घर से निकाल दिया. अकेला रहता था, सिर्फ हॉस्पिटल का काम करता था बस. अभी रिसेंटली घर वापस शिफ्ट हुआ है, अपनी दादी के डेथ के टाइम. ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे, क्योंकि ये बताएगा नहीं तुम्हें. अभी तुम लोग बात करो, आई वोंट डिस्टर्ब यू. दैट डे यू डिडंट इवन लुक एट मी, प्रीति. मैं इतनी दूर आया था तुमसे मिलकर. कितनी दूर? हिमालय चढ़ना पड़ा तुम्हें, बैंड्रा टू चेंबूर. और क्यों पलटती मैं? वैसे भी क्यों आए थे तुम उस दिन? मार खा रही, प्लीज डोंट रिमाइंड मी ऑफ ऑल दैट. कबीर, आई जस्ट डोंट वांट टू सी योर फेस अगेन. प्लीज जस्ट लीव फ्रॉम हियर. गो, गो, गेट आउट ऑफ हियर, कबीर, प्लीज. जस्ट रिलैक्स, प्लीज. ओके, मैं जा रहा हूं, आई विल गो. ओके, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा. सुनो, आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन. ओके, विल यू आंसर इट प्लीज? पूछ. अभी तुम्हें मेरे साथ आने से क्या रोक रहा है? दैट That's still your flesh and blood, Preeti. Sure. Thank you. Just trust me once, Preeti. Your family, friends, society, handle it. Just come with me. Let's go. ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ आती हूँ. पर जब ये पैदा होगा तो किसे देख के बोलेगा पापा? मुझे? You have any other reservations? Huh? क्यों करना चाहते हो तुम ये सब? कर तुम्हारे पास है ना, तुम हीरोइन, ड्रग्स ले रहे हो, दारू पीते हो. गो फक अराउंड, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. जाओ, मरो ऐसे ही. प्रीति, कुछ नहीं था इन लोगों के बीच. एक सेकंड, चलो प्रीति, मैं भी बात करके आऊँ.
तू एक बार हाँ बोल, मैं अभी कन्विंस करके आता हूँ उसे। I'll go, I'll handle him, I'll handle everything. Just say yes one time. हाँ प्रीति तू बोल। I'll go talk to him, I'll handle him. It's not a problem. तू बोल बस एक बार मुझे। I'll go figure it out. आओ इधर। क्या? आओ इधर। Come here, sit here. Sit. Come closer. How did you manage all these days without me? How did you do this, Kabir? मैंने शादी के तीसरे दिन वो घर छोड़ दिया था। तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। I'm so mad at you. मम्मी पापा के पास भी वापस नहीं गई। एक हॉस्टल में जगह मिल गई रहने की और क्लिनिक में काम करती रही। फिर कुछ दिन बाद जब गुस्सा कम हो गया, सोचा आ जाती हूँ तुम्हारे पास। Then I realized कि मेरे पीरियड स्किप हो गए। पता चला तेरा प्रेग्नेंट। तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी तुम्हें। जब फिर आने का मन किया तो पेपर में तुम्हारे और सरोज के बारे में पढ़ा। Then I gave up. I just didn't want to see you. मुझे लगा तुम ही मुझे ढूंढते ढूंढते आ जाओगे। कभी I didn't let him touch me. Not even my little finger, not even my used clothes. Listen to me carefully. This is not just flesh and blood, Kabir. This is your baby, Kabir. This is your baby. मैं आज तो किसी को नहीं बोल पाई, but I want to tell you again, कभी, I'm pregnant. You're going to be a father soon. कभी, we are pregnant and we're going to be parents soon. ये सबको लगता था कि यहाँ इसे कोई नहीं मिलना आते, maybe she's an orphan. इंडिया में भी मेरा ख्याल रखते हैं।